हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब अच्छे होंगे और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की वीडियो है रक्षाबंधन मेकअप लुक, वो भी ट्रेडिशनल। तो बाकी देखिए, ज्वेलरी और साड़ी वगैरह मैंने सब वेयर कर रखी है, बस ये डेली मेकअप है, इसको रिमूव करके आज हम मेकअप लुक बनाने वाले हैं फॉर ट्रेडिशनल वियर। तो आप इसको सूट पे भी कैरी कर सकते हैं, साड़ी पे भी कैरी कर सकते हैं, दोनों पे ही बहुत अच्छा लगेगा ये लुक। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल एंड एडवांस, बिकॉज क्योंकि ये वीडियो पहले बनाऊंगी तभी तो आप लोग देखेंगे ना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं मेकअप लुक की। तो सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ एंड फेस वॉश करूंगी मैं आज ओनली फेयर लवली फेस वॉश से। हाँ जी, यहीं से था, इस वाले से। तो देख सकते हैं आप, पीछे रुद्र की चोटी दिखाई दे रही होगी, उसके बाल बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, ऐसे फेस पे आ जाते हैं, तो इसलिए मैं उसकी चोटी बना देती हूँ। बहुत छोटी सी बनती है बट क्यूट लगती है। और ये देखिए मेरे मेकअप के साथ क्या कर रहा है, ये देखिए आप, इसकी तो अलग ही वीडियोस बनती हैं। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं इससे पहले कि ये सारा सामान फैला के इसका मन भर जाए यहाँ खेल खेल के और फिर मुझे परेशान करना शुरू करे। तो उससे पहले फटाफट वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद बातें कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फेस वॉश करके। फेस वॉश मैंने कर लिया है, तो ये जो आप लुक देख रहे हैं ना मेरे फेस का, ये इसी टाइप का डस्की स्किन टोन है मेरी। कई बार क्या होता है, वीडियोज बनाती हूँ ना तो रिंग लाइट का कलर चेंज हो जाता है, लाइटिंग इफेक्ट होता है, तो स्किन टोन पे इफेक्ट पड़ता है। कई वीडियोज में ऐसा हो जाता है तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है, बट आज अब मैंने अभी फेस वॉश किया है तो आप देख सकते हैं ये वाली स्किन टोन है मेरी। कॉम्बिनेशन केयर करती हूँ तो थोड़ी फेयर हो जाती है, केयर नहीं करती हूँ तो डल हो जाती है, ऐसी स्किन टोन भी होती होगी मोस्टली। तो चलिए बातें करते रहेंगे, उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो ब्लू हेवन का प्राइमर लिया है मैंने, ये इसका प्राइस है 225 रुपीज का था, आई थिंक यस 225 का, इतना सा लिया है, इतने से ही हो जाता है। काफ़ी अच्छी इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत अच्छी है, बहुत ही स्मूथ है, एक बार मैं इसको यूज़ करके देख चुकी हूँ। बहुत ही स्मूथ लगता है लगाने के बाद फेस पे। तो आज का जो मेकअप लुक बना रही हूँ ना मैं, इस टाइप का बना रही हूँ, काफी लाइट रहेगा, ज्यादा तामझाम नहीं होगा, बहुत ही डेली वेयर टाइप का, जो मतलब ज्यादा कम भी नहीं लगेगा और ज्यादा भी नहीं लगेगा, मीडियम टाइप का मेकअप लुक बनाऊंगी। बिकॉज क्योंकि गर्मी होती है ना तो पसीना वगैरह निकलता है या फिर काम भी करना पड़ जाता है, कई बार काम नहीं भी करना होता है, बाहर जाना पड़ जाए, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मतलब फिर बेकार हो जाता है, ज्यादा मेकअप कर लेते हैं, ओवर कर लेते हैं, तो वो फिर लॉन्ग लास्टिंग उतना नहीं रह पाता। तो सिंपल सा जो लुक बनाएंगे ना हम, नॉर्मल टू सिंपल मीडियम टाइप का, तो वो हमारा लॉन्ग चल जाएगा, इस टाइप का बनाऊंगी। आई होप आप सब समझ चुके होंगे। तो प्राइमर मेरा लग चुका है और 5 से 10 सेकंड भी हो चुके हैं, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन कहाँ पहुंचा दिया इसने, फाउंडेशन ये वाला है एलिएटीन का, तो फाउंडेशन ले लेते हैं। इस तरीके से मैंने दुर्दशा करके ये फाउंडेशन चारों तरफ कर लिया है, तो फाउंडेशन को इस तरीके से मिक्स कर लेना चाहिए लगाने से पहले, एक बार इसको ऐसे कर लेना चाहिए ताकि कंसिस्टेंसी में आ जाए और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो ये ब्लेंड हो चुका है अच्छे से, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंसीलिंग। अरे गिर जाओगे, तो ये बैठा हुआ है पीछे, कंसीलर कर लेते हैं। कंसीलर हम वहां अप्लाई करते हैं जहां हमको थोड़ा डार्क स्किन लगती है, वहां पर कंसीलर अप्लाई किया जाता है। इसको थोड़ा मैं पीछे बिठा देती हूँ, सारा सामान उठा उठा के पीछे बिठा दिया है, अभी इसका मन भर चुका है खेल खेल के, तो ये अभी मुझे परेशान करना शुरू करेगा, इससे पहले मैं वीडियो कम्प्लीट कर लेती हूँ अपनी। तो जैसे ये डार्क सा लग रहा है ना यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लगा लिया मैंने, अब फटाफट से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंडर या ब्रश किसी की भी हेल्प से कर सकते हैं आप ब्लेंड। ज्यादा कंटूरिंग नहीं करती हूँ मैं,
ब्रॉन्जिंग वगैरह ज्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ा ही करती हूँ लाइट मेकअप जैसे कि मैंने बताया। हो गया तो नेक्स्ट स्टेप है हम आईब्रो क्लीन कर लेते हैं फटाफट से। बहुत ही नेचुरल करेंगे, मतलब इस तरीके का लगना नहीं चाहिए कि हाँ अलग से आईब्रो क्लीन कर रखी है। अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इयररिंग्स, या तो फिर इसको नीचे उतार दो, ये मेरे कैमरे को लाएगा। तो ये हो चुका है, अब थोड़ा सा हम आई मेकअप कर लेते हैं फटाफट। इसके लिए मैं कंसीलर लगा लेती हूँ। और ये फिनिशिंग भी आ जाती है। तो हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए इसमें मैं, इसमें ग्रीन कलर का तो कलर है नहीं, तो मैं थोड़ा इसमें करूँगी, इसमें पिंक शेड है साड़ी में, तो उसके मैं कलर करूँगी थोड़ा। अब इसमें अप्लाई करूंगी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर L18 का, ये मेबलिन का है, सॉरी हाँ मेबलिन फिटमी का है। मैं आपको एक साइड अप्लाई करके दिखाती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आती है। ये देखिए आप कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, इधर की साइड देखिए आप, इधर की साइड देखिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इससे। अब मेकअप मोस्टली तो हमारा कंप्लीट हो गया, थोड़े बहुत दो चार स्टेप रह रहे हैं वो कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अभी हम ब्लश एंड कंटूर कर लेते हैं फटाफट। तो रेड कलर का लाइट सा ब्लश यूज करूँ मैं। ब्लश आपको बहुत कम क्वांटिटी में बहुत लाइटली ब्लेंड करना होता है, रगड़ना नहीं होता है आपको, अदरवाइज ये चीक खराब हो सकते हैं। तो ये वाला हो गया, अब हम कॉन्टोरिंग कर लेते हैं थोड़ी इस वाले कलर से गोल्डन। बस क्यों खराब कर रहे हो, ये बहुत अच्छा लुक आता है। अब देन इसको इस वाले ब्रश से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी पूरे फेस पे जो मेकअप किया है ना मैंने, ताकि इवन हो जाए कम्प्लीटली मेकअप। अब हम लगाएंगे आईलाइनर एंड मस्कारा एंड काजल भी। तो सबसे पहले काजल लगा लेती हूँ मैं। बहुत लाइट ही कलर लगाया सारा मेकअप, ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं किया है। आईलाइनर लगाने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी मिरर की, तो इसका मिरर में कॉम्पैक्ट कर ली देती हूँ।
आईलाइनर एंड काजल हो चुका है एंड मस्कारा रह गया है, तो मस्कारा लगा लेते हैं। ये मेरा है परसोनी का मस्कारा। आप चाहें तो फेक आईलैशेस का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी काफी अच्छा लुक आएगा। नेक्स्ट हम एक बार फिर से सेट करेंगे अपने फेस को इसी कॉम्पैक्ट से, स्पेशली आईज के नीचे, क्योंकि आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा लिपस्टिक। तो लिपस्टिक भी कंप्लीट हो चुकी है, देखिए आई सेड और ये और सेट सब कुछ मैचिंग मैचिंग का हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो मैचिंग की बिंदी भी लगा सकते हैं। मैचिंग की बिंदी थी मेरे पास, बट पता नहीं रुद्र ने उसको कहाँ, उसकी जो डब्बी थी पता नहीं कहाँ फेंक दिया, तो मिल नहीं पा रही है, तो इसलिए मैं मेहरून कलर की लगा रही हूँ। ये भी काफी अच्छा लुक देगी, ये देख सकते हैं आप। एंड दिस इज द फाइनल लुक लाइक दिस। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, एक बार मैं अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। आप चाहें तो नोज पिन भी लगा सकते हैं, एक बार ट्राई करके मैं दिखा देती हूँ आपको, और ज्वेलरी भी जो आपको पसंद हो पहन सकते हैं। तो इस टाइप से अगर नोज पिन लगाते हैं आप तो ये लुक भी अच्छा जाएगा। अगर आप थोड़ा सा देसी टच देना चाहते हैं अपने मेकअप को और भी ज्यादा ट्रेडिशनल, या आप